नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आरआरबी का जो एलपी का सेकंड शिफ्ट का जो फॉर्म बनना है आप सभी को, उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आरआरबी, कोई भी आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ लिखा है, ये भोपाल की आरआरबी है, यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। उसके बाद से एक ऐसा पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन टाइप का। उसके बाद यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे दोनों क्लिक कर दीजिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा, जो कि ऐसा होगा। यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, इधर एक तरफ मॉडिफिकेशन लिंक होगा, एक तरफ प्रीव्यू का लिंक होगा। इसमें प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी आरआरबी सेलेक्ट की, कौन सी ट्रेड सेलेक्ट की, उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, किसमें उसमें कितने पोस्ट वगैरह हैं वो सब देख सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करके अपना आरआरबी मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एग्ज़ाम ट्रेड, आरआरबी वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा कि कौन सी आरआरबी कैसे सेलेक्ट करनी है, पूरा डिटेल में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।